आखिरी बात सिर्फ बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने जो आईडॉक और लॉक यूज किया है ये होमोजेनियस टाइप इंडेक्सिंग लेता है। होमोजेनियस टाइप का मतलब ये है कि आपके पास जो इंडेक्सिंग दी गई है वही इंडेक्सिंग आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर आप ये चाहते हैं कि इम्प्लिसिट और यानी आई लॉक सिर्फ इम्प्लिसिट को यूज कर सकता है और लॉक सिर्फ एक्सप्लिसिट को यूज कर सकता है, लेकिन आप इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों इस्तेमाल करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्टेट्स, ठीक है, डॉट आई एक्स, आई एक्स का मतलब है दोनों को कंबाइन कर दिया आपने, कॉलन थ्री, जो कि हमारे लॉक की कंडीशन में कॉलन थ्री कुछ भी नहीं है, आई लॉक की कंडीशन में है, और यहाँ पे आपने कह दिया मिसाल के तौर पे एरिया, मिसाल के तौर। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला जो आपके पास ये वाला जो कॉलन है, ये वाला पार्ट, ये बेसिकली लॉक की कंडीशन में है और ये वाला जो है आई लॉक की कंडीशन में है। तो ये मिक्स फॉर्मेट में जब आपने लिखना हो तो आप आई एक्स लिखते हैं, आई एक्स में इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट की मिक्सिंग। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो प्रिंटिंग में कुछ एरर तो इसने दिया है, एंट्री पॉइंट फॉर द लॉन्चिंग द आईफोन, कुछ हो सकता है कि कोई आई एक्स इज डेप्रिशिएटेड, प्लीज यूज, अच्छा इसने कहा कि अब ये यूज नहीं होता, अब इन तीनों में से इसको यूज करें, ठीक है। तो लेकिन फिर भी इसने प्रिंट कर दिया है, आपने कहा कि भाई ये प्रिंट करना है तो उसने मिक्स फॉर्मेट को यूज करके प्रिंट कर, यानी न्यू पांडास हो सकता है कि इसकी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हो, अच्छा नहीं समझे जाता, तो वो ये प्रिंट कर दे, ठीक है। यहाँ तक हम रखते हैं और मैं आपके सवालात ले लेता हूँ, 36 स्टूडेंट है, आने के बाद मैं अटेंडेंस ले लूँगा, आपके जो सवालात हैं पूछ लें अभी ताकि मैं ब्रेक पे जाऊँ। तो ब्रेक पे जाने से पहले सिंगल ड्रॉ कैसे होगा, सिंगल ड्रॉ कैसे होगा, ठीक है, अभी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं भी जरा इसमें कंफ्यूज हूँ, रवा साहब या कोई वसीम साहब बता देंगे, हम भी यहाँ पे एक स्टेट्स लिख के कर देते हैं, स्टेट्स डॉट, ठीक है, लॉक, और हमने कहा कि एक रॉ करना है, तो हमने कहा कि रॉ नंबर, हम रॉ का नाम देते हैं न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क लिखा था हमने, न्यू स्पेलिंग मिस्टेक नाउ, न्यू वाई ओ आर के, न्यूयॉर्क। अगर मैं ये प्रिंट करता हूँ तो अगर रिजल्ट आ जाता है तो ये सिंगल रॉ, अब वो कहता है अभी यार तुम लोग ना वो देख रहा होता ना तो टाइपिंग यहाँ जरूर हो जाती है, न्यूयॉर्क लिख दिया, न्यूयॉर्क। तो देखो ये प्रिंट हो रहा है, न्यूयॉर्क के तीन एट्रीब्यूट्स हैं, तो न्यूयॉर्क के तीन एट्रीब्यूट्स प्रिंट करोगे तो याद आएगा पॉपुलेशन है, एरिया और डेंसिटी आ गया। ये दिखाता यूं है, आप वो जो है ना शो इस तरह करता है, पॉपुलेशन ये है इसके एरिया, तो ये एक डेटा जो न्यूयॉर्क का रॉ है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। वैसे भाई जिन्होंने पूछा था वो उसका आंसर मैंने दे दिया सर, पांडास हम डेटा एनालिसिस की भी कर सकते हैं पांडास से। तो ये सवाल ये है हाफिज और रहमान साहब कि हम तो बहुत सारी चीजें यूज करेंगे, तो उसमें जो एसेंशियलिटी है वो NumPy, पांडास और विजुलाइजेशन है, बाकी तो हम अभी उसके बाद हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक पढ़ेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं तो उसको कैसे तोड़ा जाएगा, ठीक है। हाँ न्यू वर्जन में नहीं है, वही उसने एरर मैसेज भी दिया ना, वो सर अगले वर्जन में होगी ना, तो समझ में आ रही बात ये। तो हमें यकीनन डेटा साइंस के फीचर इंजीनियरिंग करते वक्त इसकी जरूरत पड़ेगी। अब वहां पे हमें ये आई लॉक नहीं पता, उसकी लोकेशन आई लॉक या और कोई मेथड नहीं पता, तो हम वहां सीखें तो इतनी मिक्सअप हो जाएगा। जब ये पढ़ लेंगे तो उस जगह पे जब हम फीचर इंजीनियरिंग का पढ़, जैसे आज पहला टास्क में ब्रेक के बाद कराऊंगा फीचर इंजीनियरिंग का, मिसिंग डेटा को कैसे फिल करते हैं, तो मिसिंग डेटा सबसे पहला आप ये देखते हैं कि मिसिंग डेटा कैसे फिल होना है। तो इसके कई तरीके हैं, आप सोचेंगे कि मेरा मिसिंग डेटा कैसे फिल होगा तो बेहतर होगा, तो वो मिसिंग डेटा फिल करने के हम कई तरीके देखने के और फिल करने के तरीके हम देख रहे होंगे ब्रेक के बाद। 2:30 शार्प हो रहे हैं, 2:50 पे मिलते हैं नमाज के बाद, ठीक है, 2:50 पे हम मिलेंगे क्योंकि टाइम कम होगा, तो हम 2:50 पे मिलके फिर हम जो है वो बाकी बातें करके, ये मैं डेटा है ना गूगल पे शेयर कर रहा हूँ अभी,
व्हाट्सएप ग्रुप किसने बनाया, फवाज तुमने बना दिया, चलो मुझे भी उसमें एडमिन बना दो और ये ग्रुप सब हैंडल कर लें, मुझे ऐड कर लेना फवाज फैसल। अच्छा मैं अभी जो डेटा पे ब्रेक के बाद काम कराऊंगा वो गूगल पे अपलोड कर रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए गूगल ड्राइव, गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, 2:50 से मिलते हैं। ये मुझे शेयर कर दो, मैं गूगल क्लासरूम पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, कोई बात समझ नहीं आए तो पूछ लेना भाई, मैं असल में व्हाट्सएप ग्रुप नहीं रहता कि वहाँ पे बड़े सवाल आने शुरू, अच्छी बात है लेकिन अच्छा वहाँ पे एक रिसर्च ग्रुप भी बना लेंगे, मेरे पास एक रिसर्च ग्रुप है, अच्छे स्टूडेंट को हम रिसर्च ग्रुप में डाल देंगे, कभी ना कभी तो काम आ जाएगा स्टूडेंट अपने। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।